दुश्मनों से अरे दुश्मनों से वो तने तने हलला करते हैं। करबला वालों की ताकत है हबीब सरकार के मुरीद हैं। अल्लामा रमजान हैदर साहब के हवाले एक शेर पढ़ता हूँ और मेरा ईमान देखें, मैं अपने पीर की बारगाह में पहुँचाता हूँ। अरे सुरखुरू अख्तर भाई सुरखुरू हश्र में हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। सुरखुरू हश्र में हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बख्शिश की जमानत है हबीब हबीबे मिल्लत। जितने रज़े भी हैं हबीबी हैं सभी के दिल पर। अरे जितने रज़े भी हैं हबीबी हैं सभी के दिल पर। हर घड़ी करते हुकूमत है हबीबे मिल्लत। पढ़िए मेरी ताकत हबीबे मिल्लत। आला हज़रत की अमानत है हबीबे मिल्लत। और एक नजर देखे जिसे अपना बना ले उसको। एक नजर देखे जिसे अपना बना से को हौसे आज़म की करामत है हबीबे मिल्लत। मेरी ताकत मेरी हिम्मत है हबीबे मिल्लत। आला हज़रत की याद भाई को आज देख रहे हैं ना, कसम खुदा की सरकार हबीबे मिल्लत की दुआ है इनके ऊपर। बिल्कुल आज ये जो कुछ है सरकार साजो शरिया का करम है और हजरत ने इनको दुआ दे दिया है। और जिसको मेरे पीर ने दुआ दे दिया उसको कोई गिरा नहीं सकता। और आप भी दुआ कीजिए, आपके इलाके के दामाद हैं। अल्लाह अगर किसी को तरक्की देता है हसद मत कीजिएगा, हसद करेंगे तो अंदर चूल्हा में चले जाइएगा। कसम खुदा की बताए, हुजूर की खुद हदीस पाक है, हसद करने वाला खत्म हो जाता है। जो अल्लाह की राह में बांटता है, कुरान शरीफ की आयत है, हजरत बताएंगे, अल्लाह उसको बेपनाह लौटाता है। जो भी हुजूर के नाम पे लुटाता है उसको अल्लाह और देता है। कह दें सुभान अल्लाह। तो इसमें हसद करने की बात, इसमें खुशी की बात है। कह दें सुभान अल्लाह। मेरी ताकत मेरी हिम्मत है हबीबे इतना अच्छा बाजार है माशाल्लाह। ये मैं साबिर भाई को दे रहा हूँ, दे दीजिए साबिर भाई को दे दीजिए। मैंने गिना भी नहीं कितना है, इतना जान ले। हाँ माशाल्लाह, आप लोग को भी देना चाहिए जो दे रहे थे ना।
इनको इनाम दीजिए, कसम खुदा की इतना अच्छा माइक बजा रहे हैं। और एक बात बता दे रहा हूँ, इनके माइक में कभी ना कोई कवाली बजा है, ना कोई गाना बजा है, ना ये कभी जाते हैं, सिर्फ हुजूर की महफिल में जाते हैं। ये ऐसे आदमी है, मेरी ताकत मेरी हिम्मत है हबीबे तस्लीम करते हैं ताजु शरिया के फतावे तस्लीम अजहरी 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 पीर की चाहत है हबीबे मिल्ला मेरी ताकत मेरी हिम्मत है हबीबे क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं हसन क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं हसन अरे मेरे मुर्शिद मेरी दौलत है हबीबे मेरे हजरत है हबीबे मिल्ला मेरी ताकत मेरी हिम्मत है हबीबे मिल्ला क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं मंजूर क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं मुख्तार क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं अख्तर क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं या दली क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं निकेड़ा वाले क्यों किसी और के दरवाजे पे जाऊं मेरी ताकत मेरी हिम्मत हबीबे मिल्लत आप बैठो मैंने पढ़ा नहीं वाकई बताऊं 10% भी मैं अपने रंग में नहीं आया आप बैठो खाली हजरत की तकरीर हो जाए बीमार है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक एक घंटा पढ़ता रहूं चाहूं तो पढ़ूं लेकिन नहीं हमारे इलाके में मेहमान है जी जी हमारे इलाके में मेहमान है मैं कलाम लाया हूँ इंशाल्लाह आप बैठे दीवाना मुस्कुराने लगा है बस बैठे